हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब कैसे हो। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मॉम नैन्सी। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में कि मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं, ये सब मैं यूज़ करती हूँ, ये सारे हैं। तो मैं एक एक करके आपको हर एक चीज़ के बारे में बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है मेरी लिपस्टिक्स, लिप शेड्स जो मैं यूज़ करती हूँ, ये है 9 to 5 की, ये है एक, ये है एक रेड है, इसमें मरून सा कलर है एक, और एक है ये पीच सा शेड है एक। ये डार्क पिंक है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ ही कलर्स हैं मेरे पास, मैं वही लिमिटेड जो कलर्स हैं वही यूज़ करती हूँ। ये हैं 3, 2 हैं ये हैं डाइन ऑफ लंडन की 2 लिपस्टिक्स हैं, ये 2 लिप शेड्स हैं ये। फिर उसके बाद 2 हैं मेकओवर की, और ये इतनी अच्छी लिपस्टिक्स है ना, तो ये मतलब पूरा दिन आपकी लिप्स पर टिकी रहती हैं, इनमें कोई कंप्लेन नहीं होगी आपको। उसके बाद हैं कुछ क्रेयॉन्स जो मैंने NYV के खरीदे हैं, और ये मतलब अफोर्डेबल हैं, आपको 120-130 इस तरह से मिल जाते हैं। तो ये सारे हैं, एक है ये लैक्मी का, ये है 150 का, तो ये वाला लिप क्रेयॉन भी बहुत अच्छा है, ये शेड भी बड़ी प्यारी है, रेड शेड है ये, और इतनी सुंदर लगती है लिप्स के ऊपर लगाई हुई। तो उसके बाद हैं मेरे आईलाइनर्स, तो एक है सिल्वर, ये है आईब्रो पेंसिल, ये है ब्लू, और ये है काजल, ये है ग्रीन, ये है ब्लैक, एक ये है, ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है इस तरह का, ये वाली शेड है इसकी, और बड़ी प्यारी लगती है ये लगाई, और आराम से मतलब आप इसको आईज पे लगा सकते हो, जिनको नहीं भी लगाना आता वो भी लगा सकते हैं। और ये है डार्क ग्रीन, और एक ये है ब्लैक। तो ये सारी मेरी हैं आईलाइनर्स जो मैं यूज़ करती हूँ, और एक है मेरे पास ये मस्कारा, ये यूज़ करती हूँ मैं, तो ये मेरे आईज़ के मेकअप के लिए है। इसके बाद एक है ये गोल्डन, लिक्विड में है ये गोल्डन, तो ये बड़ा प्यारा लगता है जब आप किसी पार्टी में मेकअप वगैरह करना हो तो तब ये यूज़ होता है, ये बड़ा सुंदर लगता है। ये है एक फाउंडेशन 9 to 5 की, और ये इतनी अच्छी है, आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाती है, और इतने अच्छे से मतलब वर्क करती है आपकी स्किन टोन पे, तो ये वाला आप जरूर ट्राई कर सकते हैं 9 to 5 का। फिर तो उसके बाद है ये सनस्क्रीन VLCC का, और ये बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपके स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है मतलब सन रेज से, तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद है ये कॉम्पैक्ट, ये भी 9 to 5 का है, लैक्मी का है, और ये भी बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने शादी पे खरीदी थी वो हैं। उसके बाद है ये प्राइमर, जो कि आप मेकअप से पहले अपने फेस पे फेस को मॉइस्चराइजर करके फिर आप प्राइमर यूज़ करते हो, ताकि आपका स्किन जो है बिल्कुल मतलब मेकअप के लिए रेडी हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्राइमर। इसके बाद मेरे पास 2 फाउंडेशन और भी हैं, एक है मैबलिन की फिटमी फाउंडेशन, और एक है ये एस क्यू की, लेकिन ये जो है ये वाली फाउंडेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, ये वाली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट ये वाली जो है ये अच्छे से काम करती है। उसके बाद एक और प्राइमर है NYV का है ये, और एक ये लिपस्टिक है लिप शेड अलेटिन की, और उसके बाद 2 डियो यूज़ करती हूँ मैं, एक ये एंगेज का और एक ये है ऑसम, और इसकी इतनी ऑसम फ्रेग्रेंस है कि मतलब आपको ये पूरा दिन मतलब आप एक बार ट्राई करोगे इसको, एक बार यूज़ करोगे तो ये पूरा दिन रहती है आपके ऊपर। उसके बाद है एक ये सीरम गुड वाइब का, और ये बड़ा अच्छा सीरम है, इसको आप फेस पर लगाते हो उससे आपका फेस इतना शाइन करता है, इतना ग्लोइंग स्किन ये देता है, तो ये बड़ा सुंदर है, आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद है निविया वाइटनिंग का डिओड्रेंट, और ये भी बहुत अच्छा है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
तो इसके बाद जो नाइट को मैं क्रीम यूज़ करती हूँ वो भी लैक्मी की है, क्योंकि लैक्मी के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं मैक्सिमम जो है लैक्मी के ही यूज़ करती हूँ। तो ये नाइट क्रीम है, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट देती है, मतलब आप रात को यूज़ करते हैं ना इसको, सुबह तक आपकी स्किन इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, आप खुद मतलब इसका वो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि मैंने इसको एक महीना हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए और मुझे ये अच्छी लगी। तो ये सब थे मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स, और ये था व्हाट्स इन माय बैग, और ये है मेरा बैग जिसमें मैंने ये सब कुछ डाल के रखा होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको अच्छी लगी है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।